Let's do question number 11th of exercise 9b, that is linear equation one variable. Question number 11th is solve each of the following equations. हमें ये solve करनी है equation और verify करना है कि जो हमने answer निकाला है वो ठीक है कि नहीं है. तो कैसे निकालेंगे, अपनी equation लिख लेते हैं. 3 into x plus 6 equals to 24. तो हमने अपनी equation लिखी 3 into x plus 6 equals to 24. तो हम इसका मतलब x की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर हम पुट करके देखेंगे क्या वो करेक्ट है कि नहीं है. तो देखिए यहाँ पे, अब देखिए ब्रैकेट है तो इसका मतलब 3 क्या है इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई में. तो या तो आप ब्रैकेट खोल लीजिए और उसको अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक तो सॉल्यूशन ये है. क्योंकि यहाँ एंड टू एंड ब्रैकेट है और बस 3 है, मतलब इसके आगे कोई प्लस माइनस की वैल्यू नहीं है. तो आप एक चीज और कर सकते हैं, इस 3 को, क्योंकि ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है, अगर हम इधर ले आएंगे तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. सिर्फ उसी केस में जब यहाँ पे पूरा ब्रैकेट है और इसके आगे कोई वैल्यू नहीं है, उस केस में कर सकते हैं. राइट, तो ये एक्स प्लस सिक्स एज इट इज लिखा और 3 इधर ले आए डिवाइड में, डिवाइड हो गया क्योंकि यहां मल्टीप्लाई था. हमने पढ़ा है अगर इक्वल टू के लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई है कोई चीज तो इक्वल टू के राइट हैंड साइड में जाके वो क्या हो जाती है, डिवाइड की हो जाती है. तो ये कितना आ गया, एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू, हमें पता है 3 1 3 3 8 24, सेम नंबर से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया 3 से, तो वो कितना आ गया, 8 आ गया. तो यहाँ 8 लिख दिया. अब ये देखिए 6 यहाँ प्लस का है तो उसको उधर भेज देंगे, दूसरी साइड राइट हैंड साइड भेज देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 8 माइनस 6. तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 में से 6 गेस 2. राइट, अब x की वैल्यू 2 आ गई है तो हमें वेरीफाई करना है. वेरीफाई के लिए हमने अपनी इक्वेशन लिख ली 3 into x plus 6 equals to 24. अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे और देखेंगे जो हमने कैलकुलेट की है x की वैल्यू वो करेक्ट है कि नहीं है. तो ये आया x plus 6, तो हमने 3 into x की जगह 2 plus 6 लिख लिया. अब हमें पता है 2 plus 6 कितना होता है, 8 होता है. राइट, देखिए 2 plus 6 8, अब इन दोनों की क्या होगी, आपस में मल्टीप्लाई, तो 8 3 20 4 हो गया. और यही हमारा 24 राइट हैंड साइड पे भी था तो हमें पता चल गया लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल है आंसर. लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 12th ऑफ एक्सरसाइज 9b. क्वेश्चन नंबर 12th इज सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन एंड वेरीफाई द आंसर. हमें ये सॉल्व करनी है और वेरीफाई करना है. अपनी इक्वेशन लिख लेते हैं 6x plus 5 equals to 2x plus 17. अब देखिए, अब हमने लास्ट क्वेश्चन, प्लीज सारी वीडियोस देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ चीज इंपॉर्टेंट है जो आपको सारी वीडियोस देखने के बाद ही समझ में आएगी. मैंने आपको लीनियर इक्वेशन में बताया था कि वेरिएबल टर्म्स एक साथ लिखते हैं. तो देखिए यहाँ पे वेरिएबल टर्म कौन सी है, 6x और 2x. राइट, तो एक साथ लिखते हैं. तो यहाँ 6x बड़ी वाली है तो इस 2x को इधर ले आएंगे बड़ी वाली के पास. तो 6x अपनी जगह रहा, अब 2x प्लस का था यहाँ पे और इधर आने के बाद लेफ्ट साइड राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आने के लिए उसको साइन चेंज हो जाएगा तो 2x माइनस का हो गया. अब इसी तरीके से क्योंकि वेरिएबल टर्म सारी लेफ्ट साइड आ गई है तो कांस्टेंट टर्म हम कहाँ ले जाएंगे, राइट हैंड साइड ले जाएंगे. तो हमने 17 तो अपनी जगह ही रखा, देखिए 17 राइट हैंड साइड था तो राइट हैंड साइड ही लिखा. और 5 हम लेफ्ट साइड से राइट हैंड साइड ले गए तो प्लस का था 5 माइनस का हो गया. अब देखिए ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे क्योंकि ऑपोजिट साइन है. तो 6 में से 2 गया 4x. अब इसी तरीके से 17 में से 5 गया तो कितना बचा, 12. राइट, अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां देखिए 4 और x की आपस में मल्टीप्लाई है तो इधर जाके अगर 4 को इधर भेजेंगे तो डिवाइड हो जाएगा तो 12 upon 4. अब ऊपर नीचे 4 से डिवाइड किया तो 4 1 4 4 3 12. तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 3. अब हमें वेरीफाई करना है.
अपनी इक्वेशन की, जो हमने x की वैल्यू 3 निकाली है वो सही है कि नहीं है। तो हमने लिखा 2x plus 17। अब हमारी लेफ्ट साइड देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इधर लिखेंगे सॉल्व करके और राइट हैंड साइड इधर सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट साइड थी हमारी 6x plus 5, तो 6 इंटू एक्स की जगह हमने 3 लिख दिया क्योंकि हमने x की वैल्यू कितनी कैलकुलेट की थी, 3 प्लस 5। तो अब देखिए 6 और 3 की आपस में मल्टीप्लाई होगी, 6 3 जा हमें पता है 18 होता है, 18 प्लस 5 कितना हो गया ये, दैट इज 23। अब इसी तरीके से राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, 2x प्लस 17, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 3 थी हमारी, तो x की जगह 3 लिखा प्लस 17। अब 2 3 जा 6 प्लस 17, 17 प्लस 6 इज 23। तो देखिए लेफ्ट साइड भी राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है, तो हमारा प्रूफ हो गया कि हमने जो वैल्यू कैलकुलेट की थी वो सही है आंसर।